हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स में जो लाइट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने इसके पार्ट लाए थे जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग है, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताने की प्राथमिक रंग क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन मूल रंग हैं, ठीक है, आपको तीन मूल रंग को बताना है कि कौन से तीन मूल रंग होते हैं, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, लाल, हरा व नीला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में अलग हो जाता है तो हम लोग उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, हरा, पीला, लाल या फिर नीला। तो जो प्राथमिक रंग नहीं है वह है कौन सा, पीला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लाल, हरा व नीला ही प्राथमिक रंग हैं, ठीक है, जी आर बी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, ठीक है, नीला, पीला, हरा या फिर लाल। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से रंग का मिश्रण जो है वो सर्वाधिक सुविधाजनक होता है दिन व रात के समय। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, लाल और हरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह दर्शाता है, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा, हरा, बैगनी, काला या फिर लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, काले रंग का, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है, आपको बताना है कि इसके पीछे का क्या कारण है, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, ठीक है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश में सात रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, ठीक है, आपको बताना है कि सभी रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, लाल, हरा, नीला या फिर पीला। तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, ठीक है, आपको बताना है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, तरंग दैर्ध्य द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, ठीक है, आपको बताना है कि पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा यदि वायुमंडल ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, काला रंग का, ठीक है, ब्लैक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, ठीक है, आपको बताना है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल, नीला व हरा, ठीक है, जो मुख्य रंग होते हैं, मुख्यतः जो रंग होते हैं वही इसमें भी होते हैं, ठीक है, लाल, हरा व नीला। नेक्स्ट, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, ठीक है, लाल, पीला, नीला या फिर बैगनी। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी रंग का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है
तो परिणामी रंग का कौन सा होगा, ठीक है, तो परिणामी रंग कौन सा होगा आपको यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, सफ़ेद रंग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, ठीक है, आपको बताना है। तो आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है वह है फिल्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या फिर समान मोटाई का, ठीक है, तो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है, ठीक है, आपको बताना है कि वह क्या कहलाता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेस्बियोपिया, ठीक है, या उसको हम प्रेस्बायोपिया भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरिस का क्या काम होता है, ठीक है, आपको बताना है कि आयरिस का क्या काम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है, आपको बताना है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, रेटिना, कार्निया, आयरिस या फिर आईबॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, आयरिस के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्निया, ठीक है, आँख के कार्निया भाग को दान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, रेटिना, ठीक है, रेटिना से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे रेटिना स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा, ठीक है, आपको बताना है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसे कौन सी दृष्टि दोष होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, निकट दृष्टि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, ठीक है, आपको बताना है कि जो दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति होता है वह देख सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल लेंस का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज हमने फिजिक्स में लाइट से नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किया, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था, इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ पार्ट इसके लाए थे जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।